अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा अभी दिक्कत है बेसिक्स के अंदर, आपके 10th ICSE या फिर 12th ICSE जहां पे भी हो आपको प्रोग्रामिंग में दिक्कत है। तो मैं आपको पहली चीज बता दूं, जो पहला पॉइंट है कि बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने रियलाइज तो किया कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या ऐसा जुगाड़ लगाए कि आपको एटलीस्ट अगर 15 नंबर का प्रोग्राम है तो उसके अंदर 10 नंबर 12 नंबर के अराउंड मिल जाए। तो पहली चीज एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर एक क्या लिखा होता है, एक डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। क्या लिखा होता है आपका, एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो उससे आपको आइडिया लग जाती है, उससे क्या एक आप आइडिया लगा सकते हो कि इनपुट कितने वेरिएबल का लेना है और आउटपुट में क्या जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग वाला पार्ट। कोई भी प्रोग्राम जो है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, इनपुट हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज कि इंपोर्ट से लेके इंपोर्ट वाली जो पूरी की पूरी लाइन है, इंपोर्ट जावा, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, प्लीज आप लोग एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से लिखो, क्लास एक्स वाई जेड, इन सब जो बेसिक आपके फॉर्मुलाज हैं, जो बेसिक आपके सिंटेक्स है, उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज इसको रट लो अच्छे से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट को ओपन करना है, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद अब बात आती है इनपुट्स की। अब आपका यहां से सारा खेल स्टार्ट होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। पहली चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, 15 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है उसके अंदर 12 मार्क्स का क्या होता है, प्रोग्राम होता है, और 3 मार्क्स का आपका क्या होता है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कितने की होती है आपकी, 3 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो अब आपको करना यह है कि आपको 12 नंबर में ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, किसमें, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और किसमें हो जाता है आपका, आउटपुट में, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां पे इनपुट वाले पार्ट में, जैसे आपको बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो बोला गया एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, तो आप समझोगे एक आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग एक एस लेनी पड़ेगी। इतना तो जुगाड़ लगा सकते हो ना कि इनपुट क्या लेना है, इतना बेसिक्स प्लीज समझने की कोशिश करो। इतना लिख दोगे, चार आपको ये जो तीन पार्ट में डिवाइड होंगे फोर ईच, तो यहां तक लिखने के आपको नियर अबाउट 3 नंबर जो है मिल जाएंगे। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख दोगे कितने हो जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे, 6 मार्क्स यहां पे हो गए, माइनस 9 मार्क्स बचे हुए हैं, ठीक है। एस ले लोगे, एक मैसेज पास करोगे, क्या मैसेज पास करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। इस वीडियो को एंड तक देखो जरूर, एटलीस्ट एक वीडियो तो देख लो यार, अगर नहीं पढ़े तो इसको तो समझ लो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको केवल और केवल इतना बोल रहा हूं कि एफर्ट डालो, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या एफर्ट, इतना लिखने से क्या हो जाएगा, अब आपको स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग में कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ नहीं समझाया, लेंथ तो निकाल ही देना, एस डॉट लेंथ, लेंथ निकालने के बाद एक लूप चला देना, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एल, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस, कैर सी इज इक्वल टू 99% स्ट्रिंग के प्रोग्राम में आपको क्या करना पड़ता है, कैरेक्टर निकालना पड़ता है, तो कैरेक्टर ऐसे निकाल दोगे, बाकी नीचे जो समझ आएगा लिख देना। लास्ट में क्या बोला गया है, बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट, इफ रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, इफ कह रहा है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल स्ट्रिंग। आप समझो स्टेटमेंट को, इफ रिवर्स इज इक्वल इक्वल टू क्या बोला है, ओरिजिनल ओ आर जी दैट इज एस होगा। आप यहां पे एक आरईवी भी ले लेना, आरईवी की वैल्यू ब्लैंक दे देना। अब बात समझो, आपको नहीं पता बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, आपने ये बेसिक है जो कि हर प्रोग्राम में है, ये आपका हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में खुद ही दिया गया है। यहां पे आप क्या कर दोगे, मैसेज पास कर दोगे, एक ब्रैकेट बंद, दो ब्रैकेट बंद। अब वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बना देना, जिसके अंदर अब इतना तो समझ आ रहा है कि आपने एक वीडियो डेडिकेटेड बनी हुई कैसे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, उसको प्लीज जाके देख लो, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करो कि अगर आपने इतना काम कर दिया, यहां पे आपको मिल जाएंगे अगले 3 नंबर, दैट इज माइनस, आप 6 पे पहुंच चुके, प्लस 3 और हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपने ये वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक ठाक करा दिया तो 3 नंबर अराउंड यहां मिल जाएंगे, तो 12 नंबर तो आपको मिल गया ना। तो अगर कुछ नहीं आता तो भी आप क्या कर सकते हो, 12 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। मतलब टोटल प्रोग्राम कितने होंगे, टोटल प्रोग्राम 4, 12 नंबर 4 इंटू 12, उसमें से मैं मानता हूं दो प्रोग्राम तो कुछ मरी से मरी हालत में कर लोगे, फंक्शन तो मैंने बता दिया, सेट लेना तो है ही नहीं उसके अंदर, तो भी आपके केवल 6 नंबर कटेंगे, तो भी आप 94 नंबर का पेपर क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे, अब उसके लिए थ्योरी तो रट लो ना, रटने वाली चीज है, रट लो थोड़ा बहुत, जय श्री राम करके अगल बगल जो है, अगल बगल वाले सबका साथ सबका विकास भी तो करोगे, अगल बगल वाले से पूछोगे समझ रहे ना मैं क्या कहता हूं, ठीक है, समझ गए तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक। इस तरीके से यार इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर लाना इंपॉर्टेंट अब हो गया है, इस टाइम पे अगर आके वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस बात है नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, तो मेहनत करो भाई, सिंपल सा, आपको सबका साथ सबका विकास भी लेके चलना है, साथ में साथ ही जुगाड़ भी लगाना है, तो ये जुगाड़ समझो और मेहनत करो, जो टाइम बचा जितना टाइम बचा पढ़ो अच्छे से, ठीक है। सो फाइन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगे रहो।